ड्रोन के माध्यम से राजघाट पुलिस और आबकारी टीम ने थाना क्षेत्र के अमृतानी बागीचे में छापेमारी की और 800 लीटर कच्ची शराब, 200 कुंतल लहन को नष्ट किया तथा दो कारोबारियों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया। जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर अमृतानी चक्रा अव्वल से दो जहरीली शराब के कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान गौरीशंकर पुत्र राजनाथ निवासी ग्राम अच्छिया पार थाना सहजनमा तथा माया देवी पत्नी मंगरू निवासी चक्रा अव्वल अमृतानी थाना राजघाट के रूप में हुई है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से पुलिस ने 800 लीटर अवैध कच्ची शराब व 20 किलोग्राम यूरिया व 30 किलोग्राम नौसादर व कच्ची शराब बनाने के उपकरण, 2-3 के ड्रम, एल्युमिनियम के 8 भदेली, 4 प्लास्टिक के डिब्बे, 200 क्विंटल लहन बरामद किया गया, जिसको मौके पर जेसीबी व कर्मचारी के माध्यम से नष्ट कर दिया गया। एसपी सिटी ने बताया कि अभियुक्तों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में राजघाट थाना प्रभारी विनय कुमार सरोज, उप निरीक्षक अनुप कुमार मिश्र, हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र कुमार सिंह, संजय कुमार गौड़, इरशाद खां, कांस्टेबल मंगलदीप यादव, देवेंद्र कुमार यादव, गोरक्ष सिंह, दिलीप यादव, रवि कुमार, दीपक यादव, इम्तियाज अहमद, महिला कांस्टेबल ज्योति यादव, श्वेता सिंह, आबकारी निरीक्षक राकेश कुमार त्रिपाठी, अरविंद कुमार मिश्र, प्रधान आबकारी निरीक्षक सुरेश चंद्र मिश्रा शामिल रहे। इस संबंध में गोरख न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, कुछ तो चला जाए, कुछ चला जाए, वो भदलवा चला जाए, वो सब खोलिए भाग नहीं पाए सर, बड़ा हटिए ये इसमें अमृतानी क्षेत्र में सीओ कोतवाली और सेक्टर 2 आबकारी की फोर्स के द्वारा मिलकर कार्रवाई की जा रही है। सुबह से अभी तक कार्रवाई जारी है। अभी तक की जो प्रगति है वो ये है कि इन्होंने लगभग सुबह इन्होंने लगभग 700 लीटर शराब बरामद किए थे, जिसको ऑपरेशन के पश्चात ये लोग 14,000 लीटर में कन्वर्ट करके बेचते हैं, और 300 लीटर क्विंटल पहले लहन नष्ट किया गया था, अभी और नष्ट किया जा रहा है जेसीबी के द्वारा। लगभग 5,000 क्विंटल के आसपास नष्ट इन्होंने कर दिया लहन को, जिसमें यूरिया, नौसादर गुड़ वगैरह सब कुछ है। 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है अभी तक, और मुकदमा अपराध संख्या 191/21 और 192/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम और 272 IPC के अंदर पंजीकृत किया जा रहा है, और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।